रहीम बंदा नचीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ फर्स्ट ईयर की मैथ, जिसका कोड 113 है और उसके 8 क्वेश्चन कर लिए पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों ने ये जो सा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशो का, आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए आप लोगों को? बनाना। आपने ये टेबल बनाना सीखना है, याद नहीं करनी इसकी वैल्यू। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर रेडियन में लिखेंगे कैसे, पाई ओवर 6, पाई की कीमत 180, 6 पे तकसीम करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। पाई की कीमत 180, 4 पे तकसीम करेंगे 45 डिग्री आएगा। पाई की कीमत 180, 3 पे तकसीम करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। पाई की कीमत 180, 2 पे तकसीम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। साइन की वैल्यू अब यहाँ से शुरू कर देंगे, 0/4 सारे का अंडर रूट, 1/4 सारे का अंडर रूट, 3/4 सारे का अंडर रूट, 4/4 सारे का, 2/4, 3/4 सारे का अंडर रूट, 4/4 सारे का अंडर रूट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से स्टार्ट ले लेंगे, 0/4 सारे का अंडर रूट, 1/4 सारे का अंडर रूट, 2/4 सारे का अंडर रूट, 3/4 सारे का अंडर रूट, 4/4 सारे का अंडर रूट। बच्चों देखो ना, नीचे 4 है, देखो नीचे क्या आ गया, 4, 4। ऊपर 0 से स्टार्ट ले लेंगे, देखो 0, फिर 1, 2, 3, 4। बच्चों ये टेबल बनाना सीखेंगे। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 0/4 सारे का जजर, 0 का जजर 0, 4 का जजर कितना आ जाएगा 2, 0 तकसीम 2 क्या आंसर आएगा, 0। 0/4 का आंसर क्या आएगा, 0। अब आ गया इसका आंसर बनाएंगे, 1/4, 1 का जजर 1, 4 का जजर कितना आ जाएगा 2, 1/2 आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अब 3/2/4 का अंडर रूट, देखो जजर के अंदर रकम क्या हो रही है, कैंसल आउट। सबसे पहले अगर जजर के अंदर रकम कैंसल आउट होती हो, उसको लाजमी कैंसल आउट करना है। अब देखो ये कैंसल आउट हो रही है जजर के अंदर वैल्यू, पहले इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 * 2 = 2, 2 * 2 = 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1 का जजर 1 आ जाएगा, 2 का बच्चों जजर नहीं होता परफेक्ट, क्या करेंगे नीचे 2 का जजर लिख देंगे। बच्चों नीचे क्या लिख देंगे, 2 का जजर, इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2 का जजर, 1/2 का जजर। अब इसके बाद आ गया 3/4, अब 3 का परफेक्ट जजर नहीं होता, इसलिए 3 को किस में लिख देंगे, जजर के अंदर, 4 का जजर 2 आ जाएगा, 3/2। बच्चों क्या आंसर आ गया, 3/2। अब आ जाएगा 4/4 का जजर, अब जजर के अंदर क्या हो रही है, रकम कैंसल आउट। सबसे पहले रकम के अगर जजर के अंदर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, उसको पहले कैंसिल करना है। देखो 4, 4 के साथ कैंसिल कितना आ जाएगा, 1, 1 का जजर कितना बनेगा, 1, 1 का जजर बच्चों कितना बनेगा, 1 बनेगा। बच्चों ये किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन की। अब निकालनी हमने कोज की वैल्यू, अब साइन के उलट कर देंगे कोज, टेबल के लिहाज से साइन के उल्ट क्या है, कोज। बच्चों टेबल के लिहाज से अब इसकी वैल्यू उल्टा के लिख देंगे, ये जो सा 1 है यहां पर लिख देंगे, 3/√2 इधर लिख देंगे, और ये 1/2 का जजर इधर लिख देंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे 1/2, और ये जो सी 0 आखिर पे लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू बना ली, कोज की। बच्चों ये किसकी वैल्यू बना ली, कोज की। और बच्चों ये साइन के उलट क्या है, कोज, टेबल के लिहाज से ये जो सी इस तरफ से वैल्यू शुरू कर देंगे, इस तरह लिखनी, 1 लिख देंगे यहाँ पर, 3/√2/2 इधर लिख देंगे, 1/2 का जजर इधर लिख देंगे, ये जो सा 1/2 इधर लिख देंगे, ये 0 इस तरह लिख देंगे, आखिर पे लिख देंगे। इसको
देखो ना, राइट साइड से वैल्यू लिखनी शुरू कर देंगे, उलट वैल्यू लिख देंगे कोज की। तो साइन के उल्ट क्या है? कोज, टेबल के लिहाज से। बच्चों अब बनाएंगे टैन की वैल्यू। किसकी वैल्यू बनानी है हमने? टैन की। बच्चों टैन की वैल्यू, टैन किसके बराबर है? साइन ओवर कोज के। बच्चों टैन थीटा किसके बराबर है? साइन ओवर कोज के बराबर है। टैन थीटा किसके बराबर है? साइन ओवर कोज के। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? टैन की। अब देखो ये वैल्यू किसकी? साइन की। कोज की वैल्यू कितनी हमारे पास? वन। जीरो तकसीम वन, क्या आंसर आएगा? जीरो। बच्चों क्या आंसर आएगा? जीरो। इसी तरह बच्चों इसकी वैल्यू, थर्टी की वैल्यू बनानी है टैन की। साइन की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास? वन बाय टू। साइन की वैल्यू वन बाय टू, और कोज की वैल्यू कितनी हमारे पास? थ्री का जजर ओवर टू। थ्री का जजर ओवर टू। बच्चों ये टू टू के साथ कैंसल, कितना आ जाएगा? वन ओवर थ्री का जजर। बच्चों कितना आ जाएगा? वन ओवर थ्री का जजर आ जाएगा, वन ओवर थ्री का जजर। इसी तरह बच्चों कोस टेन पैंतालीस की वैल्यू बनानी है हमने। साइन की वैल्यू कितने हमारे पास? वन ओवर टू का जजर। साइन की वैल्यू वन ओवर टू का जजर। कोज की वैल्यू कितनी हमारे पास? वन ओवर टू का जजर, वन ओवर टू का जजर। ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, कितना आंसर आ जाएगा? वन। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? वन। इसी तरह बच्चों साइन की वैल्यू क्या हमारे पास? थ्री का जजर ओवर टू। थ्री का जजर ओवर टू, और कोज की वैल्यू कितनी हमारे पास? वन बाय टू। कोज की वैल्यू वन बाय टू। बच्चों ये टू टू के साथ कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास? थ्री का अंडर रूट ओवर वन इज इक्वल टू थ्री का अंडर रूट आ जाएगा। बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? थ्री का अंडर रूट। अब साइन की वैल्यू कितनी हमारे पास? वन है। कोज की वैल्यू क्या हमारे पास? जीरो। वन तकसीम जीरो आंसर क्या आएगा बच्चों? इन्फिनिट, इन्फिनिटी आ जाएगा। वन तकसीम जीरो इन्फिनिटी, वन तकसीम जीरो बच्चों क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? कोट की। बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे? कोट की। कोट, अब टैन के उलट क्या है? कोट, टेबल के लिहाज से। टैन के उलट कोट, टैन का उलट क्या है? कोट, टेबल के लिहाज से। अब देखो ये इन्फिनिटी इधर लिख देंगे, उलट वैल्यू लिख देंगे बच्चों, राइट साइड से शुरू कर देंगे। ये इन्फिनिटी इधर लिख देंगे, ये थ्री का जजर इधर आ जाएगा, वन वन ही आ गया। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, वन ओवर थ्री का अंडर रूट, जीरो इधर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? कोट की। अब निकालनी है हमने कोसीकेंट की। किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसीकेंट की। बच्चों वो कैसे फाइंड करेंगे कोसीकेंट की वैल्यू? बच्चों कोसीकेंट देखो ना, सी साइन का उलट क्या है? साइन का उलट वन ओवर कोसीकेंट, वन ओवर कोसीकेंट है। साइन किसके बराबर है? वन ओवर कोसीकेंट। और कोसीकेंट किसके बराबर है? वन ओवर साइन के बराबर है। कोसीकेंट किसके बराबर है? वन ओवर साइन के बराबर है। अब देखो, अब कोसीकेंट की वैल्यू बनानी है हमने। ये वन इसी तरह आ गया, साइन की वैल्यू क्या हमारे पास? जीरो। साइन की वैल्यू जीरो, वन तकसीम जीरो क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसी तरह बच्चों ये वन इसी तरह, साइन की वैल्यू क्या हमारे पास? वन बाय टू, वन बाय टू आ जाएगा। बच्चों इस साइन की वैल्यू उल्टा के लिख देंगे। देखो ये जीरो ओवर वन है, जीरो ओवर वन, वन ओवर जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये वन ओवर टू है, ये टू ओवर वन हो जाएगा। इसको उल्टा, वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। ये वन ओवर टू का जजर है, तो क्या हो जाएगा? टू का जजर ओवर वन हो जाएगा। बच्चों ये थ्री का जजर ओवर टू, क्या लिख देंगे? टू ओवर थ्री का जजर। ये वन ओवर वन, बच्चों ये वन ओवर वन लिख देंगे इसका। अच्छा वन को उल्टा के लिखेंगे तो वन नहीं आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। इसी तरह आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? सीकेंट की। बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे? सीकेंट की। सीकेंट किसके बराबर है? कोज का उलट सीकेंट है,
कोज का उल्ट क्या बच्चों, सीकेंट। इस वन को उल्टा के लिखेंगे तो वन ही आ जाएगा। ये थ्री का अंडर रूट ओवर टू है, हमने किसकी निकालनी है, सीकेंट की, क्योंकि कोज का उल्ट क्या है, सीकेंट, इसको उल्टा के लिख देंगे टू ओवर थ्री का अंडर रूट। इसी तरह बच्चों इस वैल्यू को भी उल्टा के लिख देंगे टू का जजर, बच्चों इस वैल्यू को भी उल्टा के लिख लेंगे टू। अब ये जीरो बटा वन है बच्चों, देखो ना जीरो ओवर वन, जब जीरो को वन को उल्टा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन ओवर जीरो। वन ओवर जीरो किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। वन ओवर जीरो किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। ये था बच्चों हमारा रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल बच्चों, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमने इस टेबल के ज़रिए से करने हैं। बच्चों ये टेबल कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, आप लोगों ने ये टेबल बनाना सीखना है एग्जाम के अंदर बच्चों। जो उनसे हमें आंसर शीट मिलती है उसके आखिर वाले पेज के ऊपर आप लोगों ने ये टेबल बना लेना है। क्या करना है, आप लोगों ने ये टेबल बना लेना है, फिर आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ से वैल्यू देखें, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 बटा 4 सारे का अंडर रूट, 1 बटा 4 सारे का अंडर रूट, 2 बटा 4 सारे का अंडर रूट, 3 बटा 4 सारे का अंडर रूट, 4 बटा 4 सारे का अंडर रूट। 0 का जजर 0, 4 का जजर आ जाएगा 2, 0 तकसीम 2 के आंसर आएगा 0। 1 का जजर 1 आ गया, 4 का जजर 2 आ गया। अब देखो 2 वन टाइम, 2 एकम 2 दूनी 4, इस ये जजर के अंदर रकम क्या हो रही थी हमारे पास, कैंसल आउट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा, 1 ओवर 2। 1 का जजर 1 आ गया, 2 का जजर नहीं होता, क्या करेंगे, जजर के अंदर लिख देंगे 2 का जजर, 2 का जजर लिख देंगे तो 2 का। अब 3 का जजर नहीं होता, 3 का जजर आ जाएगा, 4 का जजर कितना आ गया 2, 4 4 के साथ कैंसिल क्या आ जाएगा 1, 1 का जजर 1 के बराबर है। साइन के उल्ट क्या है, कोज, टेबल के लिहाज से बच्चों ये वैल्यू उलट लिख देंगे इस तरह, ये वन इधर लिख देंगे, थ्री का अंडर रूट इधर लिख देंगे, वन ओवर टू का जजर, फिर वन बाय टू, फिर जीरो, इस वैल्यू को इस तरह लिख देंगे। अब टैन किसके बराबर है, साइन ओवर कोज के बराबर। देखो ये साइन है ये कोज, दोनों क्या हो रहे हैं, तकसीम, साइन ओवर कोज टैन के बराबर है, जीरो तकसीम वन, जीरो आ जाएगा। इन दोनों देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम साइन और कोज, ये टैन के बराबर, ये 2 2 के साथ कैंसिल, 1 ओवर 3 का जजर आ जाएगा, 1 ओवर 2 का जजर, 1 ओवर 2 का जजर के साथ कैंसिल 1 आ जाएगा। बच्चों ये नीचे वाला 2, ये नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल, 3 का जजर आ जाएगा, 1 तकसीम 0 इन्फिनिटी, 1 तकसीम 0 इन्फिनिटी के बराबर है। ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन की, टैन के उलट क्या है, कोट। बच्चों ये वैल्यू उल्टा के लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे, इस तरफ से शुरू कर देंगे, इन्फिनिटी इधर आ जाएगी, 3 का अंडर रूट, फिर 1 इधर आ जाएगा, 1 ओवर 3 का अंडर रूट इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। अब निकालनी है कोसिकेंट, क्योंकि कोसिकेंट का इन्वर्स क्या है, उलट, साइन, इस साइन की वैल्यू को उल्टा आगे लिख देंगे। देखो ये है 0 बटा 1, 1 ओवर 0 किसके बराबर है, इन्फिनिटी आ गया, ये 1 ओवर 2 है तो कोसिकेंट में क्या 2 ओवर 1 लिख देंगे, इस वैल्यू को उल्टा आके लिख देंगे, 1 ओवर 2 का जजर है तो 2 के 2 का जजर ओवर 1 आ जाएगा, ये 3 का जजर ओवर 2 है, इसको जब उल्टा आके लिखेंगे तो 2 ओवर 3 का जजर आ जाएगा, 1 ओवर 1 है, 1 को जब उल्टा आके लिखेंगे तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। अब कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्ट क्या है, सीकेंट, ये वैल्यू उल्टा आके लिख देंगे, 1 इधर आ जाएगा, ये 3 का 2 ओवर 3 का अंडर रूट इधर आ जाएगा, 2 का अंडर रूट इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इन्फिनिटी इधर आ जाएगा। ये था हमारा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों, ये आप लोगों ने ये बनाना आना चाहिए, टेबल ये बनाना सीखना है, टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड करें एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या दे दिया, टेन स्केयर 45 डिग्री माइनस कोज स्केयर 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, साइन 45 डिग्री, कोज 45 डिग्री और टैन 60 डिग्री। बच्चों टैन कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
टेन 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ऊपर स्केयर था स्केयर भी आ जाएगा। कोज 60 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ये एक्स भी इसी तरह, साइन 45 1/2 का जजर, कोज 45 1/2 का जजर, टेन 63 का जजर। अब देखो टेन 45, अब इसके अंदर कैसे वैल्यू देखेंगे, टेन 45 बच्चे देखो ये टेन 45 किसके बराबर है, टेन 45 1 के बराबर है, यहां पर 1 पुट कर देंगे। आप लोगों ने देख के वैल्यू पुट करनी है, आंसर शीट के आखिर के आखिर पेज के ऊपर आप लोगों ने ये टेबल बना लेना है। ये टेबल आप लोगों को बनाना सिखाया है। कोज 60, अब देखो कोज 60 किसके बराबर है, कोज 60 1/2 के बराबर, ऊपर स्केयर था स्केयर भी आ जाएगा। ये एक्स इसी तरह, साइन 45 बच्चों, साइन 45 किसके बराबर, 1/2 का जजर, 1/2 का जजर लिख देंगे। कोज 45, कोज 45 किसके बराबर है, कोज 45 1/2 का जजर, 1/2 का जजर लिख देंगे। टेन 60 बच्चों, टेन 60 किसके बराबर है, टेन 60 देखो ये 60 है, 3 का जजर कितना आ जाएगा, 3 का जजर आ जाएगा बच्चों। 1 का स्केयर 1 आ गया, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आ गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 3 का अंडर रूट आ गया। जब दो अंडर रूट को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, होल का स्केयर हो जाएगा बच्चों। जब दो अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल का स्केयर आ जाएगा। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना बनेगा, 4। अब देखो इसका बटा नहीं है 4 1 का, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल, 1 आ गया, एक्स इंटू 3 का अंडर रूट, मरबा जजर कैंसिल, 2 आ गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 3/4 इज इक्वल टू एक्स आ गया 3 का अंडर रूट ओवर 2। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या, और ये एक्स के साथ हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये एक्स के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी बच्चों, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, रकम डिवाइड हो जाएगी। अब इसको उल्टा के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नेक्स्ट है बच्चों 3/4, इसको उल्टा के लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का अंडर रूट नीचे इक्वल टू एक्स आ गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 दुनी 4 बच्चों क्या आंसर आ गया, 3/2 इंटू 3 का जजर एक्स की वैल्यू। अब बच्चों ये आप लोगों ने देख के वैल्यू पुट करनी है, अगर याद करनी है तो याद कर लें, मैं कहता हूँ आप लोगों को ये टेबल बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए आप लोगों ने, ये टेबल अच्छी तरह बनाना सीख लेना है बच्चों। 3/2 इंटू 3 का जजर इज इक्वल टू एक्स, अब ये 3 किसके बराबर है बच्चों, 3 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। देखो 3 की पावर कितनी है, 1 है, इस 1 पावर को हाफ हाफ पावर में भी लिख सकते हैं, 3 का जजर मल्टीप्लाई 3 का जजर, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट का होल का स्केयर हो गया, मरबा जजर कैंसिल, 3 के बराबर ही है। हम इस 3 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 जजर लिख देंगे, 3 का जजर इंटू 3 का जजर, ये नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब 3 का जजर 3 के जजर के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 3 का जजर ओवर 2 इक्वल टू एक्स आ गया, 3 का जजर ओवर 2 इक्वल टू एक्स आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब करें क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड करें आर, हमने क्या फाइंड करना है, आर, आर फाइंड करें, एल इज इक्वल टू 33, थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन, थीटा कितना हमारे पास है, 6 रेडियन है बच्चों। फाइंड करें आर, हमने आर मालूम करना है बच्चों, इसका फार्मूला क्या हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा,
हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से आर फाइंड करना है, थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आगे बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, थीटा इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब एल की वैल्यू क्या हमारे पास 33, थीटे की वैल्यू क्या हमारे पास 6 इज इक्वल टू आर। अब 33 को तकसीम कर देंगे 6 के साथ, 33 तकसीम 6 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 5.5। ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव डैट टू साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 का जजर। हमने प्रूव डैट करना है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट बनानी है बच्चों। क्वेश्चन क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कौन सी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin 45 degree प्लस 1/2 cosec एंड 45 डिग्री। अब हमने टेबल किया हुआ है बच्चों, हमें टेबल बनाना आता है, टेबल से देख के वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, टेबल से देख के वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2 इसी तरह sin 45 क्या है, जब आप टेबल के अंदर sin 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 का जजर है, sin 45 1/2 का जजर, ये 1/2 इसी तरह। जब कोसी की वैल्यू देखेंगे टेबल के ऊपर 45 डिग्री की, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 का जजर बच्चों। वहां से कौन सा आंसर आएगा, 2 का जजर, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का जजर, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 2/2। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम बच्चों, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 × 2 का जजर, 2 का जजर 2 के जजर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। 2 का जजर 2 के जजर के साथ कैंसिल, 2 × 2 = 4 आ गया, दरमियान वाला प्लस आ गया बच्चों, ये 2 के साथ कैंसिल, ये जो उनसे 2 का जजर इस 2 के जजर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 √ को तो ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा, मरबा जजर कैंसिल बच्चों, क्या आ गया, 4 + 2/2 × 2 का जजर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर 6/2 × 2 का जजर, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6 कितना आ जाएगा, 3/2 का जजर आ गया बच्चों। हमें क्या आंसर चाहिए था, 3/2 का जजर, बराबर क्या आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करें क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव डैट बच्चों, हमने क्या करना, प्रूव डैट टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3 बच्चों। प्रूव डैट का मतलब क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट बनानी है बच्चों। क्वेश्चन क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट को हल करें तो राइट बने, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बच्चों। अब क्या करेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे, हमने टेबल को बनाना सीखा है तो वहां से टेबल की वैल्यू देख के यहां पर लिख देंगे। अब टेन 30 किसके बराबर है, 1/3 का जजर के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा प्लस। टेन 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा प्लस। टेन 60 डिग्री किसके बराबर है, 3 का जजर के बराबर, ऊपर अगर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ गया, मरबा जजर कैंसिल, 1/3 आ गया, 1 का स्केयर 1, मरबा जजर कैंसिल, 3 आ गया,
वन ओवर थ्री प्लस वन प्लस थ्री फोर आ गया, बच्चे इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा थ्री, थ्री थ्री के साथ कैंसिल क्या बचेगा वन आ गया। अब इस फोर का बटा नहीं है, ये जो उनसे थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीन चार बारह आ जाएगा, बारह में जब एक जमा करेंगे कितना आ जाएगा तेरह बटा तीन आ जाएगा बच्चे, ये बराबर आ गया, हमें क्या चाहिए था तेरह बटा तीन, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों सवाल क्या था, लेफ्ट को हल करके राइट बनानी है, अब क्या करेंगे टेन तीस की वैल्यू पुट कर देंगे, टेन पैंतालीस की, टेन साठ की वैल्यू पुट कर देंगे, और तो इसकी इसके ऊपर स्केयर था, स्केयर को ख़त्म करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो तेरह बटा तीन आ गया, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्टीन। प्रूव डैट, बच्चों हमने क्या करना है, प्रूव डैट टू टेन पाई ओवर सिक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर पाई ओवर सिक्स इक्वल टू थ्री का अंडर रूट। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है राइट हैंड साइड, बच्चों कौन सी बनानी है राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कौन सी साइड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टू टेन पाई ओवर सिक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर पाई ओवर सिक्स। अब पाई की कीमत कितनी है 180, सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास टेन थर्टी आ जाएगा। बच्चों पाई की कीमत कितनी है 180, सिक्स के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड, सिक्स वन टाइम सिक्स थ्री टाइम, थर्टी डिग्री आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा थर्टी डिग्री, ये वन इसी तरह, ये वन बच्चों इसी तरह। अब टेन आ गया स्क्वायर, पाई की कीमत 180, सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों थर्टी डिग्री। अब बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ये टू, अब टेन थर्टी किसके अंदर वैल्यू देखेंगे टेबल के अंदर, जब टेन थर्टी की वैल्यू देखेंगे टेबल के अंदर वो किसके बराबर है वन ओवर थ्री का जजर के बराबर है ओवर, ये वन इसी तरह आ गया टेन थर्टी वन ओवर थ्री का जजर, वन ओवर थ्री का जजर, ऊपर होल का स्केयर भी आ जाएगा बच्चों, ऊपर होल का ये टू वन के साथ मल्टी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, टू ओवर थ्री का जजर ओवर आ गया वन माइनस वन का स्केयर वन मरबा जजर कैंसिल, वन ओवर थ्री आ गया, वन ओवर थ्री आ गया बच्चों, ये टू ओवर थ्री का जजर इसी तरह। अब नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम, बच्चों नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा थ्री, अब इस वन का बटा नहीं है, ये जो सा एलसीएम थ्री या वन के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, थ्री थ्री के साथ कैंसिल वन आ गया बच्चों, क्या आ जाएगा टू ओवर थ्री का जजर ओवर। अब थ्री में से वन माइनस करेंगे टू ओवर थ्री आ गया, अब इसको उल्टा के लिखेंगे टू ओवर थ्री का जजर, अब देखो ये तकसीम के अंदर है और ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है तकसीम, जब इसको मल्टीप्लाई के अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे रकम को उल्टा के लिख देंगे थ्री ओवर टू लिख देंगे, टू ओवर थ्री है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा थ्री ओवर टू, टू टू के साथ कैंसिल, क्या आंसर आ गया थ्री ओवर थ्री का जजर। हमने थ्री का जजर बनाना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके क्या बनानी है राइट, अभी तक राइट साइड नहीं बनी हमारे पास, हमें पता है थ्री किसके बराबर है बच्चों, थ्री किसके बराबर है टू अंडर रूट के बराबर है, अगर थ्री का जजर मल्टीप्लाई थ्री के जजर के बराबर है बच्चों, ये थ्री किसके बराबर है थ्री का जजर मल्टीप्लाई थ्री का जजर, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा, हमारे पास कितना आएगा थ्री बच्चों। अब क्या करेंगे इस थ्री की जगह पर क्या लिख देंगे दो अंडर रूट, थ्री का अंडर रूट, थ्री का अंडर रूट ओवर थ्री का अंडर रूट, अंडर रूट के साथ कैंसल, क्या आंसर आ गया हमारे पास थ्री का अंडर रूट, बराबर आ गई राइट हैंड साइड बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर था थर्टीन। अब करेंगे फोर्टीन, क्या करेंगे फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन प्रूव डैट करें।
प्रूव डैट कोज 30 डिग्री कोज 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। बच्चों हमने प्रूव करना लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट बनानी है। बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा, लेफ्ट को हल करके राइट बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोज 30 डिग्री कोज 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब कोज 30 डिग्री किसके बराबर है, टेबल के अंदर। बच्चों हमने टेबल बनाना सीखा है, वो टेबल से देख के वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों कोज 30 किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। कोज 60 किसके बराबर है, 1 बाई 2 के बराबर है। माइनस साइन 30 किसके बराबर है, 1 ओवर 2 के बराबर है। साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। बच्चों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 2 दुनी 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 को जब 3 के जजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 का जजर आ जाएगा, 2 दुनी 4। ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। बच्चों शून्य शून्य आ जाएगा, हमें क्या चाहिए था, शून्य। तो शून्य के बराबर आ गया, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। देखो ना हमने लेफ्ट को हल करके राइट बनानी थी, राइट क्या हमारे पास, 0। देखो 0 आ गया, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये जो उनसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, बच्चों ये टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टेबल बनाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हल करने शुरू करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव डैट करें कोज 90 डिग्री माइनस कोज 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बच्चों प्रूव डैट कर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर बच्चों क्या आना चाहिए, बराबर। हम दोनों साइडें हल कर लेंगे इसमें। कोज 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कोज 30 डिग्री किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है।